हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित गौरव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करूँगा जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आइए उसके पॉइंट्स एंड उसके फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा उसका। यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों, पिछले कुछ क्वार्टर से लगभग सेम होल्डिंग है और मार्च 2020 में इसकी होल्डिंग है 46.27% की, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। उसके बाद में 6.96, मार्च 2020 में 6.96 की इसके DIIs की होल्डिंग है, जिन्होंने आप देखेंगे यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है थोड़ा सा। उसके बाद में FIIs क्या कर रहे हैं, FIIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और इसकी दिसंबर 2019 में 1.84% की होल्डिंग थी और मार्च 2020 में इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और 2.02% की होल्डिंग है FIIs की इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और साथ ही साथ में इसका हम देख लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर हम चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे करंट प्राइस जो है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है और रिटर्न वर्सेस एफडी में देखेंगे यहाँ पे थम्स अप है एंड डिविडेंड रिटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक को थम्स अप मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर साइट। एंड एंट्री पॉइंट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज द गुड टाइम टू बाई दिस स्टॉक बिकॉज दिस स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, यहाँ पे ये शो करता है। एंड यहाँ पे जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे लो है, ये पॉइंट यहाँ पे पांचों पॉइंट यहाँ पे ये पॉजिटिव हमें दिखाते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और डिटेल में हम थोड़ा सा और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इसका प्राइस दोस्तों चल रहा है 226 रुपये एंड इसकी बुक वैल्यू आप चेक करेंगे तो 607 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। एंड उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है बिल्कुल भी। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, यानी कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। और उसके साथ में आप अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो वो 45 का है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही अच्छा है। एंड इविटा टू इंटरप्राइज टू इविटा वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 3.26 की है, बहुत ही पॉजिटिव है। एंड उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 0.82 का है। अगर हम इसको थोड़ा सा, आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ इसकी करंट प्राइस, यानी कि 326.05 इसकी करंट प्राइस है और इसको हम मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो से डिवाइड करेंगे तो लगभग 397 प्राइस निकल के आती है। यानी कि जब इस स्टॉक का प्राइस 397 के पास पहुंचेगा तब इसकी मार्केट कैप इसके सेल्स के बराबर पहुंचेगी। तो इतना इस स्टॉक में पोटेंशियल अभी दिखाई देता है कि 400 तक ये स्टॉक पहुंचना चाहिए, उतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में वहां तक जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देखेंगे, आप प्रमोटर्स होल्डिंग में आपको बता ही चुका हूँ 46.28% की है एंड बुक वैल्यू भी स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्टॉक पी देखेंगे तो 4.88 का स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 3.46 का। इस यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे स्टॉक पी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिखाई देता है स्टॉक। एंड उसके बाद में मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इसकी बैलेंस शीट में आप देखिए इसके रिजर्व जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इसके रिवर्स जो है कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं एंड इसकी बोरोइंग इन्होंने यहाँ पे कम की है। सितंबर 2019 का तक का यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है, तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग कम हो रही है, एक ये पॉजिटिव बात मुझे लगी है। एंड उसके बाद में आप देखेंगे कंपनी जो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, यानी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट करने में सक्षम है, कंटिन्यूसली यहाँ पे कैश अच्छा जनरेट कर रही है। 2016 में 201 का था, 17 में 503 करोड़ का था, 18 में 515 का था, मार्च 2019 में 838 करोड़ का इसका कैश भी ये जनरेट करने में सक्षम है। तो ये पॉइंट कुछ मुझे पॉजिटिव लगे हैं इस कंपनी के बारे में। और उसके बाद में आप देखेंगे इसका रिटर्न के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो रिटर्न आप देखेंगे 1 वीक में लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ्स में अगर आप चेक करेंगे तो 10% का निगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ में आप चेक करेंगे तो लगभग 21% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर में देखेंगे तो लगभग 37% का निगेटिव रिटर्न है, 2 साल में देखेंगे तो लगभग 54% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 5 ईयर में आप चेक करेंगे तो लगभग 97% का पॉजिटिव रिटर्न है। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिसेंट में कंपनी काफी
ज़्यादा टूट गई है, आप इस चीज़ को ध्यान। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ ने लगभग 3.67% की इनकी होल्डिंग है, और बीएनबी प्रवास म्यूचुअल फंड की भी 1.28% की होल्डिंग है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की भी होल्डिंग यहाँ पे 2.25% की है, एंड लोक प्रकाशन लिमिटेड भी यहाँ पे 22.08% की होल्डिंग रखे हुए हैं, एंड गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड भी 1.5% की होल्डिंग है यहाँ पे। तो इस चीज़ को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों ये स्टॉक अभी रिसेंटली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इस स्टॉक पे हम लोगों को अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। ये इस स्टॉक ने यहाँ से लगभग आप 2016 से देखेंगे ये लगभग कितने रुपए पे, लगभग 150 मतलब 150 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, और वहाँ से देखिए दोस्तों इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लगभग 930 तक का रिटर्न हमें बना के दिया है 2018 तक। 2018 के बाद में ये जब से स्मॉल कैप एंड मिड कैप सारे स्टॉक की वाट लगी हुई है, सारे स्टॉक अपने हायर लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, तो ये स्टॉक भी वहाँ से करेक्ट हुआ है। अब रिसेंटली देखिए यहाँ पे दोस्तों इस स्टॉक ने रिकवरी लेना स्टार्ट की है, तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। हाँ, अभी तो शायद इसमें सिग्नल हमें नहीं मिल रहे हैं कि इसको हमें बाई करना चाहिए, बट हमें इसमें वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी पड़ेगी, इसको हमें अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाना चाहिए। फिलहाल अभी कोई बाइंग की इसमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन हो सकता है कि थोड़े नीचे वाले लेवल जाने के बाद में लगभग ये 286 या 290 के आसपास अगर ये स्टॉक जाएगा तो वहाँ से हमें इसमें सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के साथ के बारे में। दोस्तों ये सारे फैक्टर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्ट करना है या नहीं करना ये आपका एक अपना डिसीजन रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई रिसर्च के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।